नमस्ते बच्चों का आंगन। शीर्षक अनमोल शिक्षक सुजीत। लेखन मिताली सिंह बिलासपुर। बच्चों हम जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष में आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिन्होंने शिक्षक की नौकरी से सेवानिवृत्त होकर भी समाज में गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देकर उन्हें इस योग्य बनाया जो आज कई विभिन्न पदों पर सेवा कर रहे हैं। आज की कहानी एक आदर्श व्यक्तित्व निस्वार्थ शिक्षक श्री सुजीत चट्टोपाध्याय की है। उन्हें नवंबर 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे 70 वर्ष की आयु में शिक्षा के प्रसार के लिए दशकों से अथक प्रयास कर रहे हैं। विशेषकर आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए ये भारत के वे अप्रसिद्ध नायक हैं जिनके प्रयासों की देश भर में प्रशंसा की जानी चाहिए। इसलिए उन्हीं की वाणी में उनकी कहानी सुनते हैं। जिस दिन मैंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की उसके बाद मैंने 1 मिनट भी नष्ट नहीं किया। मैं शिक्षक बनने के लिए अपने गांव बंगाल के औस ग्राम वर्धमान वापस चला गया। हाँ, मेरे पास बड़े शहरों के विद्यालय से अधिक वेतन के प्रस्ताव थे, लेकिन मेरे लिए वह 169 वेतन का प्रस्ताव जो मुझे मेरे गांव के विद्यालय द्वारा दिया गया था सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। मैं अपने गांव के उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बहुत ही उत्सुक था जिन्हें एक अच्छे शिक्षक की अधिक आवश्यकता थी। मैंने अपने विद्यालय में 39 साल तक पढ़ाया और उसके बाद मैं 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो गया। पर मेरा मन बहुत ही बेचैन था। मैं सेवानिवृत्त नहीं होना चाहता था। मैं अपने आप से बार बार पूछता, अब मैं क्या करूं? कुछ ही दिनों बाद मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। एक दिन सुबह लगभग 6 बजे मैंने देखा कि 3 लड़कियां मेरे घर की ओर आ रही हैं। मैं यह सुनकर चौंक गया जब उन बच्चियों ने मुझसे कहा कि वे उस मास्टर को देखने के लिए 23 किलोमीटर से अधिक साइकिल चलाकर आई हैं जो अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। वे आदिवासी युवतियां थीं जो पढ़ने और कुछ सीखने के लिए बेचैन थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, मास्टर जी क्या आप हमें पढ़ाएंगे? मैं अविलंब मान गया और कहा, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरे विद्यालय के पूरे वर्ष की फीस देनी होगी। क्या तुम देने के लिए तैयार हो? उन लड़कियों ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ मास्टर जी, हम किसी भी प्रकार से पैसे की व्यवस्था कर लेंगे। तो मैंने कहा, ठीक है, मेरे पूरे वर्ष की फीस 1 रुपये है। यह सुनकर वे आदिवासी लड़कियां इतनी खुश हो गईं कि वे उन्होंने मुझसे अपने गले लगा लिया और कहा, मास्टर जी हम आपको 1 रुपये
और उसके साथ 4 चॉकलेट भी देंगे। मुझे ऐसा लगा मुझे फिर से जीने का एक सुयोग मिल गया। इसलिए उनके जाने के बाद मैं अपने कपड़े बदलकर सीधे अपने विद्यालय चला गया और प्रधान आचार्य से उन आदिवासी लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक कमरा देने का अनुरोध किया। प्रधानाचार्य ने मेरी सहायता करने से मना कर दिया, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं था। 49 साल पढ़ाने के बाद भी मेरे अंदर पढ़ाने की बहुत ऊर्जा बाकी थी। इसीलिए घर वापस आने के बाद मैंने अपना बरामदा साफ किया और वहां पढ़ाने का निर्णय लिया। यह बात 2004 की है। मेरी पाठशाला उन 3 लड़कियों से आरंभ हुई थी और आज हमारे पास प्रतिवर्ष 350 विद्यार्थी आते हैं, जिनमें से अधिकांश आदिवासी युवतियां हैं। मेरी ही पाठशाला के बच्चों द्वारा आग्रह करने पर मैंने अपनी पाठशाला का शुल्क 1 रुपये बढ़ा दिया है और अब 2 रुपये शुल्क लेता हूँ। मेरा दिन अभी भी सुबह 6 बजे गांव में घूमने के साथ आरंभ होता है और फिर मैं अपने घर के दरवाजे आने वाले विद्यार्थियों के लिए खोल देता हूँ। कुछ लड़कियाँ 20 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से पढ़ने के लिए आती हैं। मुझे हमेशा उन आदिवासी लड़कियों को देखकर लगता है कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। इन वर्षों में मेरे विद्यार्थी कई विभागों में प्रोफेसर और प्रमुख आईटी कंपनियों में इंजीनियर बन गए हैं। वे हमेशा मुझे फ़ोन करते और मुझे अपनी सफलता की खुशखबरी देते हैं। हमेशा की तरह मैं उनसे कुछ चॉकलेट देने के लिए कहता हूँ। जिस दिन मुझे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उस दिन मेरा फोन बजना बंद ही नहीं हुआ। पूरे गांव ने मेरे साथ खुशियां मनाई। यह सबके लिए प्रसन्नता का दिन था। लेकिन उस दिन भी मैंने अपने विद्यार्थियों को अपनी पाठशाला से छुट्टी नहीं करने दी। मेरी पाठशाला के द्वार सबके लिए खुले हैं। कभी भी कोई भी मेरी पाठशाला में आ सकता है। हमारा गांव बहुत ही सुंदर है और मेरे सभी छात्रों का भविष्य उज्जवल है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यह मेरी कहानी है। मैं बंगाल का एक साधारण शिक्षक हूँ, जो अपनी चारपाई पर चाय और शाम की झपकी का आनंद लेता हूँ। मेरे जीवन का मुख्य आकर्षण यह है कि मुझे मास्टर साहब कहा जाता है। मैं अपनी अंतिम सांस तक पढ़ाना चाहता हूँ। यह वही काम है जिसे करने के लिए मुझे इस संसार में भेजा गया है। संसार को अधिक करुणामय और सुंदर बनाने के लिए आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है। उन्हें पहचानने की और जब हम उन्हें खुले हृदय और खुले मन से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें अपने सामने ही पाएंगे। श्री सुजीत चट्टोपाध्याय 2 रुपये वाला मास्टर के नाम से प्रसिद्ध है और उनके पाठशाला को सदई फकीर पाठशाला के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, इन कहानी से हमें
यह सीख मिलती है कि एक सच्चा गुरु शिष्य से कभी कुछ नहीं मांगता। वास्तव में गुरु केवल मानवता की सेवा करने के लिए होते हैं। वे लेने के लिए नहीं बल्कि केवल देने के लिए होते हैं। जय श्री राम कृष्ण।